खेड़ी मंडल में भारतीय जनता पार्टी मंडल कार्य समिति की बैठक चेतरामबाली बगीची हनुमान मंदिर में आयोजित की गई, जिसमें पीएम मोदी ने 8 साल बेमिसाल के बारे में चर्चा की गई और केंद्र की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष राजकुमार पांडा ने प्रधानमंत्री आवासीय योजना, स्वच्छ भारत मिशन, हर घर नल से जल योजना, नागरिकता संशोधन कानून लागू किया, ट्रिपल तलाक, इन समस्त योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। पूर्व जिला मंत्री राजेश लोहिया ने कार्यकर्ताओं को एक रहने के लिए नसीहत दी। जिला कार्यकारिणी सदस्य बाबूलाल सैनी ने अपने विचार रखे। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष शिवचरण अवस्थी ने सभी का आभार जताया। मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष रवि अग्रवाल, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष दीपक जैन, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष विनोद प्रजापत, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष रामगोपाल गौरू, अल्पसंख्यक मंडल अध्यक्ष पवन जैन, एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जाटव, मंडल उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल सपूला, मंडल मंत्री गोविंद साहू, प्रदीप अवस्थी, रामोतार तिवाड़ी, जल सिंह चौहान, रवि परासर, पिंटू धोबी, बाबूलाल मीणा, ओम प्रकाश चौहान, अशोक प्रजापत, सोनू शर्मा, राधेश्याम सैन, विजेंद्र सैनी, महेंद्र दरोरा, रोशन साहू, शिवलाल, मुरारीलाल सैनी, बाबूलाल यादव व अनेक कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहे।